तो फाइनली दोस्तों MI टीवी के अंदर एंड्रॉयड 9.0 का अपडेट आ चुका है। मेरे पास MI का 4A Pro 49 इंचेस टीवी है और मैंने उसके अंदर एंड्रॉयड पाई को अपडेट कर लिया है। कौन कौन से नए फीचर्स आपको इस अपडेट के बाद मिलने वाले हैं अपने टीवी के अंदर और कौन सी नई एप्लीकेशंस को आप इंस्टॉल कर पाएंगे, आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश और आप देख रहे हैं टेक हेल्प फॉर यू। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसे ही और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये 811 MB का अपडेट है एंड्रॉयड 9.0 का। अब सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ सेटिंग्स में, एंड्रॉयड वर्जन में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे यहाँ अबाउट में आपको एंड्रॉयड 9 यहाँ पे दिखाई देगा और ये पाई अपडेट है। इसके बाद दोस्तों आप लोगों ने नोटिस किया होगा यहाँ पे आपको नेटफ्लिक्स और प्राइम वीडियो दोनों एप्लीकेशंस दिखाई दे रही हैं। तो एंड्रॉयड 9.0 अपडेट के बाद ये दोनों एप्लीकेशंस आपको इसमें प्री इंस्टॉल मिलती हैं, जैसे पहले हमें यूट्यूब मिलता था। नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को अगर मैं ओपन करता हूँ तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल आराम से आप इस एप्लीकेशन को यूज़ कर पाएंगे। अपने MI रिमोट से ही इसको कंट्रोल कर सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये वर्क कर रहा है, बहुत स्मूथली ये वर्क कर रहा है। तो नेटफ्लिक्स एप्लीकेशन को अब आप अपने MI टीवी के अंदर इंजॉय कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं दोस्तों प्राइम वीडियो एप्लीकेशन को भी आप अपने टीवी के रिमोट से ही नेविगेट कर पाएंगे। काफी स्मूथली ये वर्क कर रही है। आपके अपनी वाइफ के साथ रिलेशंस कैसे हैं? झगड़ा चल रहा है लेकिन इसके अलावा वॉल्यूम कीज जो पहले ऊपर वॉल्यूम बार आता था अब ये बीच में सर्कल के टाइप से आएगा है, तो ये यूजर इंटरफेस में चेंज किया गया है यहाँ पे। इसके अलावा अगर हम सेटिंग्स में जाते हैं, एडिशनल सेटिंग्स में जाते हैं, यहाँ पे डिवाइस प्रेफरेंसेस में जाना है और यहाँ पे अगर आप पावर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्टैंड बाय लाइट का ऑप्शन आपको मिलता है, जो यहाँ पे MI लोगोस के नीचे यहाँ पे जो लाइट होती है तो आप इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। दैट मीन्स जब आपका टीवी स्टैंड बाय मोड पे है तो ये लाइट आपकी ऑन रहेगी या फिर आप इसको ऑफ भी कर सकते हैं। तो ये एक एडिशनल फीचर आपको मिलता है इस अपडेट के बाद। इसके अलावा यहाँ पे आपको टीवी मोड का ऑप्शन मिलता है। इसके अंदर होम मोड पे अगर आप टीवी को रखते हैं तो नॉर्मल अपने घर में यूज़ जैसे ही आप करना चाहें वैसे कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप इसको स्टोर में डिस्प्ले पे लगाना चाहते हैं तो इसको स्टोर मोड पे आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब जो इसके बाद इम्पोर्टेंट चेंज इसमें किया गया है वो इसकी पिक्चर डिस्प्ले के अंदर किया गया है। तो यहाँ पे पहले मैं इसकी बैक लाइट को एडजस्ट नहीं कर पाता था, चाहे आप डिक्रीज़ करते चाहे इंक्रीज़ कर देते थे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब एक्चुअल में ये वर्क करती है। जैसा आप देख सकते हैं ब्राइटनेस इसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है और इसको आप डिक्रीज़ भी कर सकते हैं सेम वे से। तो ये ज़्यादा टाइम के लिए अगर आप टीवी यूज़ कर सकते हैं तो आईज़ पे आपके ज़्यादा इम्पैक्ट अब नहीं डालेगा। पिक्चर मोड के अंदर यहाँ पे पहले इसमें कोई भी ऑप्शन वर्क नहीं करता था, ये सारे ऑप्शंस दिखते थे लेकिन एक्चुअल में कोई वर्क नहीं करता था, लेकिन अब इस अपडेट के बाद ये सारे विविड मोड, स्पोर्ट्स मोड, कस्टम मोड, मूवी मोड, ये सारे आप पिक्चर इसकी चेंजेस देख सकते हैं अपने डिस्प्ले के अंदर। कलर टेम्परेचर यहाँ पे पहले वर्क नहीं करता था लेकिन अब आप स्टैंडर्ड वार्म और कूल में कोई भी चूज़ कर सकते हैं, उसी अकॉर्डिंग आपका पिक्चर का जो क्वालिटी है वो आपको दिखाई देगी।
अब इस अपडेट के बाद इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो एक्चुअल में चेंज हुई है, कलर्स आपको और ज़्यादा फाइन दिखाई देंगे इसके अंदर। इसके अलावा सेटिंग्स में अगर आप जाते हैं, एडिशनल सेटिंग में अगर आप जाते हैं, तो आपको इनपुट्स का ऑप्शन बिल्कुल सामने दिख जाएगा, जिससे आप अपने HDMI और ऑडियो वीडियो इनपुट्स को यहाँ पे डायरेक्टली कंट्रोल कर पाएंगे। ये सारे फीचर्स आपको इसमें यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे ऐप्स का आपको डायरेक्टली एक्सेस मिलता है, जिससे आप अपनी एप्लीकेशंस जो भी हैं इसमें सारी आप मैनेज कर सकते हैं। अब इसके बाद जो अगला चेंज किया गया है, इसके प्ले स्टोर में चेंज किए गए हैं। प्ले स्टोर में आपको बहुत सारी नई एप्लीकेशंस देखने को मिलेंगी, जैसे कि इसके अंदर आप अब हॉटस्टार भी चला सकते हैं, सोनी लीव एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, MX प्लेयर डायरेक्टली आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, किसी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वूट आप यहाँ पे यूज़ कर पाएंगे, Netflix और प्राइम वीडियो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं, आप यहाँ पर ब्राउज़ कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस आपको अब इसमें मिलेंगी। गेम्स की अगर मैं बात करूं तो काफ़ी सारी एडिशनल गेम्स आपको इसमें मिलती हैं। अब जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पे डाउनलोड की है asphalt 8 और ये गेम इसके अंदर बहुत ही स्मूथली वर्क कर रही है, तो विदाउट हैंग ये गेम आप अपने टीवी के अंदर यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक गेम कंट्रोलर की ज़रूरत होगी, ब्लूटूथ वाला भी आप यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मल वायर वाला गेम कंट्रोलर भी आप इसमें यूज़ कर पाएंगे। इसके अलावा आप अपना मोबाइल फ़ोन अगर अपने टीवी के अंदर यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे डायरेक्टली व्यू फोन मीडिया का ऑप्शन मिल जाता है। इस पर अगर आप क्लिक करते हैं तो आपको अपनी फाइल्स अपने टीवी के अंदर शेयर करने का यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है। एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन से आप अपनी कोई भी फाइल अपने टीवी के अंदर शेयर कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप ये वीडियो आप सबको अच्छा लगा होगा। अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं MI TV से रिलेटेड तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।